अरे रे, आप एक पूल में गिर गए, वो भी इस चीज के। क्या है ये? यहां गिरने से आपके स्वास्थ्य पर क्या असर होगा और क्या ऐसा होने पर आप जिंदा बच सकते हैं? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर आप इस्तेमाल हो चुके परमाणु ईंधन से भरे पूल में गिर जाएं। ये है इस्तेमाल हो चुके परमाणु ईंधन यानी न्यूक्लियर फ्यूल से भरा एक पूल, और आप अभी गलती से इसमें गिर गए। लेकिन असल में ये चीज है क्या? पानी से भरा ये बड़ा सा पूल ईंधन की इस्तेमाल हो चुकी रॉड्स को न्यूक्लियर रिएक्टर से निकाले जाने के बाद ठंडा करने के काम आता है। एक न्यूक्लियर रिएक्टर को पावर देने में ये फ्यूल रॉड्स बहुत गर्म हो जाती हैं। गर्म से हमारा मतलब है 2800 डिग्री सेल्सियस। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर 3 से 6 साल तक इस्तेमाल होने के बाद फ्यूल रॉड्स काम की नहीं रहती। दिक्कत यह है कि ये अब भी कई तरह की हानिकारक रेडिएशन पैदा करती हैं और अगले 10,000 सालों तक करती रहेंगी। हालांकि ये कचरा है, पर दुनिया में कचरे का कोई भी मैदान इस कचरे को अपनाने वाला नहीं है। तो पानी इस चीज को रखने की सही जगह क्यों है? न केवल पानी दशकों का वक्त लगाकर इन फ्यूल रॉड्स को ठंडा करता है, बल्कि ये इनकी रेडिएशन पर भी असर डालता है। पानी एक जैविक ढाल की भूमिका निभाता है, जहां हाइड्रोजन रेडिएशन को सोखता है और अपने रास्ते आने वाली रेडिएशन की दिशा बदलता है। इससे पानी के पास बिना किसी नुकसान के खड़े रह पाना मुमकिन हो पाता है। लेकिन जब आप पानी में गिर जाएंगे तब क्या होगा? जैसे ही आप पानी के अंदर जाएंगे, आप तुरंत ही पूल के तापमान को महसूस करेंगे। पानी का ये बड़ा टब गर्मियों के दिनों में डुबकी लगाने जैसी राहत नहीं देने वाला, बल्कि इसका तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी आपके औसत हॉट टब से थोड़ा ठंडा, लेकिन फिर भी काफी गर्म। उम्मीद करते हैं कि पूल में गिरते वक्त आपने गलती से पानी का बहाव बंद ना कर दिया हो। अगर ऐसा होता है तो आप एक गंभीर समस्या में फंसने वाले हैं। इस्तेमाल हो चुके ईंधन के पूल के पानी को लगातार साइकिल किया जाता है ताकि ये सही तापमान पर बना रह सके। याद रहे, ये फ्यूल रॉड्स बेहद गर्म होती हैं, और अगर पानी का बहाव बना नहीं रहता तो ये पानी तेजी से गर्म होने लगेगा और वक्त के साथ भाप में बदलता चला जाएगा, यानी आप जलकर खाक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो अब जब आप इस गर्म पानी के पूल में तैरना शुरू करेंगे, रेडिएशन के जहरीले असर का सिलसिला कब शुरू होगा या कब आप हरे पड़ेंगे और आप में सुपर पावर आने लगेगी? न्यूक्लियर फ्यूल में गिरने के बाद तो ऐसी ही चीजें होती हैं, है ना? असल में नहीं। हालांकि ये सुनने में मजेदार लगता है, पर अगर आप न्यूक्लियर रिएक्टर के इस्तेमाल हो चुके ईंधन से भरे पूल में गिरते हैं तो आपके साथ ये नहीं होने वाला। इसके पीछे की वजह है पानी। न केवल ये पूल के बाहर के लोगों को बचाए रखता है, बल्कि अगर आप अंदर गिर गए तो भी पानी आपको बचाएगा। अगर आप कई मीटर की गहराई तक जाकर इन फ्यूल रॉड्स को छूते नहीं हैं, तो आप पूरी तरह से ठीक रहने वाले हैं। हाँ, थ्योरी के हिसाब से आप बिना कोई नुकसान महसूस किए इस पूल में काफी देर तक तैर सकते हैं। हालांकि यहाँ एक बेहद खतरनाक चीज को रखा गया है, पर इस्तेमाल हो चुके न्यूक्लियर फ्यूल के पूल असल में काफी बोरिंग होते हैं, बल्कि ये किसी आम पब्लिक पूल से कई गुना ज्यादा साफ और सुरक्षित होंगे। आपको इसमें ना ही कोई कीटाणु मिलेंगे, ना ही बच्चे यहाँ कोई गंदगी फैला रहे होंगे, और आप आम जिंदगी में जिन रेडिएशन का सामना रोज करते हैं, इस पूल में तैरते वक्त उससे कम ही रेडिएशन से आपका सामना होगा। हम इलाज में रेडिएशन का सामना करते हैं, जैसे कि एक्सरे या सीटी स्कैन में, कोयले और गैस जैसे फ्यूल, या हमारे टीवी और दूसरी स्क्रीनों के चलते किसी न किसी रेडिएशन से तो हमारा सामना होता ही रहता है। यहां तैरना क्या हो अगर के किसी वीडियो को देखने जितना ही महफूज है। अगर इस्तेमाल हो चुके परमाणु ईंधन से भरे पूल में तैरना आपके लिए बोरिंग है, तो शनि के किसी चांद पर तैरने का ख्याल कैसा रहेगा? जानने के लिए देखते रहें क्या हो अगर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और हफ्ते भर बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।